मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे रूल 21। देखें, इस रूल के अंतर्गत कुछ नाउंस के पेयर्स दिए गए हैं। जब नाउंस का पेयर बनाया जाता है यानी जोड़ा बनाया जाता है तो उनके पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अब पेयर बनाने के लिए कंजक्शन एंड का भी प्रयोग होता है, ठीक। कुछ प्रीपोजिशंस भी ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग होता है, जैसे टू है, देखें आप, अपान है, इन है, ओके, आफ्टर भी है, ठीक। इस तरह से जो है, यहाँ नीचे देखिए बाई भी है, ओके। तो इस यहाँ पर जो मैंने पेयर्स बनाया है इसमें कुछ की हिंदी क्या होती है, उल्टी होती है, व्यतिक्रम में, यानी इंग्लिश के विपरीत। जैसे फादर एंड मदर, अब यहाँ पर क्रम फादर पहले आया है और मदर बाद में, किंतु हिंदी क्या है, माता पिता, यानी माता पिता का प्रयोग, माता का पहले और पिता का बाद में। फिर देखें फादर एंड सन है, तो यहाँ क्रम सही है, ठीक। तो थोड़ा सा हिंदी पर आपको ध्यान देना है और यह मैटर मैं उपलब्ध इसलिए करा रहा हूँ कि देखिए विभिन्न किताबों से इसका कलेक्शन किया गया है, तो आपको भटकना ना पड़े, ठीक। मदर एंड डॉटर, अब यहाँ पर देखिए क्रम सही है। हस्बैंड एंड वाइफ, यहाँ पति पत्नी। तो नियम आर्टिकल चैप्टर के अंतर्गत यही नियम है कि इस तरह के जब पेयर आते हैं किसी भी सेंटेंस में तो इनके पूर्व जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ब्रदर एंड सिस्टर, देखिए भाई बहन क्रम सही है। पेन एंड प्लेजर में देखिए यहाँ पर क्रम उल्टा है, पेन दुख होता है, प्लेजर सुख होता है, अब यहाँ पर सुख दुख उल्टा, ओके। हंगर एंड थर्स्ट जो है आपका भूख प्यास, क्या है यहाँ पर सीधा क्रम है हिंदी का, हम हिंदी के संदर्भ में बता रहे हैं। ब्रेड एंड बटर, देखिए ब्रेड एंड बटर, यहाँ पर भी क्रम क्या है, उल्टा है, ब्रेड पहले है और बटर बाद में है, परंतु यहाँ हिंदी में देखिए उल्टा लिख दिया गया है, तो इनका आपको ध्यान देना है, ठीक ना। तो अब इसको पढ़ के बताने की बहुत आवश्यकता नहीं है, हम स्लोली स्लोली जो है इसको पढ़ा दे रहे हैं, आप टाइप करके इसे का करिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक। ओके, अब इनको आपको याद करना है। वास्तव में ये जो है पेयर्स में जो दो नाउंस का प्रयोग होता है ये फ्रेज के रूप में प्रयुक्त होते हैं, क्या होते हैं, फ्रेज के रूप में, ठीक ना। तो बस यही ध्यान देना है कि हम एंड से जोड़ें या प्रीपोजिशन से, दोनों को जोड़ें। अगर प्रीपोजिशन से जोड़ना है तो किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करें, तो लिस्ट आपको उपलब्ध हो गई, मेरा ख्याल है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।